उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि रबी फसलों की खरीद के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर जिला मुख्यालयों पर 25-25 मंडियों के माध्यम से किसानों की 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार 3 लाख के करीब बारदाना उपलब्ध करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जे फार्म जारी होने के बाद 48 घंटों में फसलों की राशि किसानों के खातों में सीधी भेज दी जाएगी और वहीं आढ़तियों की 2.5% दामी भी आढ़तियों के खातों में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश किसानों के भुगतान में 72 घंटों से ज्यादा देरी होगी तो किसानों को 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। बेल्स जो हमें गन्नी बैग की चाहिए थी हमने पूरी तौर पर प्रिक्योर करी हुई है। हमारी मंडियाँ चिन्हित है, 6 फसलें गेहूँ हो, हमारे सरसों हो, सूरजमुखी हो, दाल हो, चना हो और तो और जो को भी इस बार हर जिला हेडक्वार्टर पर 25 मंडियां बनाकर हम प्रिक्योर करने का काम कर रहे हैं। आढ़ती भाइयों को भी उनकी जो आढ़त है दामी है 2.5% वो भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं और तमाम किसानों के खातों को लिंक कर कर जे फॉर्म इशू होने से 48 घंटे में पेमेंट प्रोसेस करेंगे और अगर डिले होता है 72 घंटे से ज़्यादा तो उसको 9% ब्याज भी देने का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हर देशवासी का हक है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन की आड़ में भ्रम फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को पहले से ज्यादा सशक्त करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। पूरी तौर पर उसकी निंदा करता हूं और ये फेलियर है पंजाब सरकार का कि वो अपने किसानों को जिस आक्रोश के साथ दिल्ली लेकर गए, आज आने वाली जो प्रोक्योरमेंट की स्थिति है ये पंजाब की दर्शाती है कि मेयर फेलियर पंजाब में प्रोक्योरमेंट का होगा। हरियाणा पूरी तौर पर गेयर्ड अप है,